देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रुचिता ने मॉम की इतनी इंसल्ट की और भाई है कि स्पेशली मुझे फोन कर ये बता रहे हैं कि रुचिता गलत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भाई उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, पर मॉम ने तो उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे परिवार के दो लोग एक इंसान के लिए इतने अलग अलग विचार कैसे रख सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सच क्या है? एक तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद होना, लेकिन इतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं एक ऐसी लड़की से कभी रिश्ता नहीं रख सकता जो मेरे परिवार की बेइज्जती करती हो। जिस लड़की के मन में मेरे परिवार के लिए इतनी मैल, जिसका मन ही साफ ना हो, उससे निहार गोयल कभी प्यार कर ही नहीं सकता। तुम निहार भैया की बातों को दिल पे मत लगाना। तुम जानती हो ना, उन्होंने जो भी कहा था वो सब गुस्से में कहा था। जानती हूँ भाभी, मुझे निहार जी की किसी भी बात से तकलीफ नहीं होती। गुस्सा तो मुझे अपनी किस्मत पर आ रहा है। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं निहार जी को कुछ भी याद नहीं दिला पा रही। और भाभी, मेरे मन से ये डर भी नहीं जा रहा है कि अगर निहार जी को कुछ भी याद नहीं आया तो वो हमारा प्यार हमेशा के लिए भूल गए तो। रुचिता, अगर निहार भैया को कुछ नहीं भी याद आया ना, तो भी उन्हें दोबारा से प्यार सिर्फ तुमसे ही होगा। तुम जानती हो, तुम दोनों की तकदीरें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मैं मानती हूं किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, पर जब तुम पहली बार उनकी सोच बदलकर उनका दिल जीत सकती हो तो दूसरी बार क्यों नहीं। थैंक यू भाभी, मुझे इस वक्त किसी की हिम्मत की बहुत जरूरत थी। हाँ बेटा, आप ठीक हो ना? पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब तो इन चीजों की आदत हो गई है। रुचिता बेटा पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। मतलब? जैसे खाने में पेंट मिला देना, तुम्हारे पापा की उनके क्लाइंट्स के सामने बेइज्जती करना और मीडिया के सामने पूरे परिवार की इज्जत उछालना। बेटा मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटा। भाई तो कह रहे थे कि रुचिता बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करती, सबकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मॉम कुछ और ही कह रही। आखिर रुचिता की असलियत है क्या? निहार बेटा, जैसे रुचिता तुम्हें अपना प्यार याद दिला रही है ना, वैसे ही मैं तुम्हें उसकी खामियां याद दिलाऊंगी।